हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ कोलडाउस लॉ। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कोलडाउस लॉ। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कोलडाउस लॉ वी डिस्कस द टू न्यूमेरिकल्स, दैट इज फर्स्ट वन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसिटेट लेमडा इनफाइनाइट CH3CWNA, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेमडा इनफाइनाइट HCl, सोडियम क्लोराइड लेमडा इनफाइनाइट NaCl। क्या क्या है? 91.0 सीमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दूसरा है 4 to 5.4 सीमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। थर्ड वन है 126.4 सीमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपको लैम्डा इनफाइनाइट CH3CWS आपको फाइंड आउट करना है। इसमें क्लियर है, वी यूज द कोलडाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। जैसा अपन ने एप्लीकेशन पार्ट में किया था, सेम वही आपकी वैल्यू कंपाउंड है, इलेक्ट्रोलाइट है, आपको यहाँ पर अब वैल्यू गिवन है। अब आपको वैल्यू कैसे पुटअप करनी है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है तो ध्यान दीजिए। CH3CWH, इसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है? H प्लस और CH3CWO माइनस। तो H प्लस कहाँ है? इसमें HCl में। CH3CWO कहाँ है? इसमें CH3CWNA में। इसका मतलब ये दोनों क्या करेंगे? एड करेंगे, तो इसको क्या करेंगे अपन? माइनस करेंगे। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू कोलडाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, क्लियर? क्या क्वेश्चन बनेगी देखो, लैम्डा इनफाइनाइट CH3CWNA इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट CH3CWO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस। इसको आगे पीछे आप ले सकते हो। सेकंड है लैम्डा इनफाइनाइट HCl, तो क्या होगा? लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू, लैम्डा इनफाइनाइट NaCl इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। इक्वेशन नंबर थर्ड, वही चीज। इक्वेशन नंबर वन और टू को अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और इक्वेशन नंबर थ्री को अपन क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर? नाउ देखिए बेटा, ऑन एडिंग इक्वेशन वन एंड टू एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड, दोनों साइड होगी, एल एच एस साइड भी आर एच एस साइड भी। तो देखिए, लैम्डा इनफाइनाइट CH3CWNA प्लस लैम्डा इनफाइनाइट HCl प्लस लैम्डा इनफाइनाइट, क्या करना है इसको? माइनस करना है NaCl इक्वल टू। आइंस का भी देख लीजिए क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइट CH3CWO माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस सॉरी लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस। देखिए इसका यहां पे आ जाएगा CH3CWO माइनस और Na प्लस, फिर आएगा HCl का H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। अब यहाँ किसका साइन है? माइनस का। तो लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ये ब्रैकेट, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास में? माइनस। ये क्लियर है? अब देखिए, Na प्लस Na प्लस कैंसिल हो गया, Cl माइनस Cl माइनस, क्या बच गया देखो इधर, ये दोनों वैल्यूज बच गई क्या?
क्लियर है। इसका मतलब क्या करेंगे अपन, इन दोनों की वैल्यू को अपन ऐड कर देंगे और इसकी वैल्यू को अपन क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ये तो था थ्योरेटिकल, अब अपना वैल्यूएबल करेंगे। तो देखिए बेटा, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, ध्यान देना इस चीज को। देखिए कि मैं यहां से रफ कर रहा हूं, आप लोग क्या चाहिए देखो, लैम्डा इनफाइनाइट सी एस थ्री सी डब्लो एन ए प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एच सी एल माइनस लैम्डा इनफाइनाइट एन ए सी एल इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट सी एस थ्री सी डब्लो माइनस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एच प्लस। आप पुटअप कर दो वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू पुटअप करो आप, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 91 प्लस यहाँ जाएगा 425.4, यहाँ जाएगा अपने पास में 126.4 इक्वल टू किसके आएगा, ये लैम्डा इनफाइनाइट सी एस थ्री सी डब्लो एच। क्लियर, तो क्या आएगा अपने पास में, लैम्डा इनफाइनाइट सी एस थ्री सी डब्लो एच इक्वल टू, अब देखो 425.4 प्लस 91 ये हो गया अपने पास में 516.4। माइनस करना है आपको, 126.4 को माइनस करो 0093, अपने पास में आ गया 390 सीमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दैट इज योर आंसर। क्लियर, ये आपका कंप्लीट मेथड है। अगर आप इस मेथड से इसको सोल्व करोगे तो आपके कहीं से भी कोई मार्क्स रिड्यूस नहीं होगा। क्लियर, ये पूरा कंप्लीट मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर, नाउ वी मूव टू आवर सेकंड न्यूमेरिकल, दैट इज द इफ लैम्डा इनफाइनाइट एल प्लस थ्री इज इक्वल टू 189 सीमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड क्या दे रखा है, लैम्डा इनफाइनाइट एसओ फोर माइनस टू इक्वल टू 160 सीमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, देन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एल टू एसओ फोर का होल थ्राइस। देखिए इक्वेशन क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन है, गिवन है कि आपको लैम्डा इनफाइनाइट एल प्लस थ्री इक्वल टू 189 सीमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड लैम्डा इनफाइनाइट एसओ फोर माइनस टू इक्वल टू 160 सीमोन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर, क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा इनफाइनाइट एल टू एसओ फोर का होल थ्राइस आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर, देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू होल्डहाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, इसका आपको किसमें कन्वर्ट करना है, होल्डहाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन में। तो क्या आएगा देखो, लैम्डा इनफाइनाइट एल टू एसओ फोर का होल थ्राइस इक्वल टू 2 लैम्डा इनफाइनाइट एल प्लस 3 प्लस 3 लैम्डा इनफाइनाइट एसओ 4 माइनस 2। आप ध्यान दो, जो अपना एप्लीकेशन था होल्डहाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, उसमें अपन ने दो टाइप से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को फाइंड आउट किया था। इसमें फर्स्ट था बाय द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, और दूसरा ऑप्शन था अपने पास में बाय द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयंस। तो यहाँ पर ये जो नंबर गिवन है 2 और 3, दीज आर द ट्रांसपोर्ट नंबर, 2 और 3 आर द ट्रांसपोर्ट नंबर। तो यहाँ पर इनको क्या करना है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, जब भी आपको इस तरह से दे तो आपको फॉर्मूले को सही मेथड से आपको उसको जज करना है, उसके बाद भी उसमें लॉ अप्लाई करना है बेटा, तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। आप जल्दीबाजी में दोनों को ऐड करके आ जाओगे, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको देखना है कि कहीं इसमें ट्रांसपोर्ट नंबर तो यूज नहीं आ रहे। तो अब यहाँ पे इसका क्या सॉल्यूशन आएगा देखिए बेटा, यहाँ देख लीजिए,
सीधी वैल्यू पुटअप करनी है, बट कंफ्यूजन क्या है कि आपका ट्रांसपोर्ट नंबर आपको यूज लेना है। क्लियर? तो देखिए लैम्डा इनफाइनाइट एल टू एसओ फोर का होल थ्राइस इज इक्वल टू क्या जाएगा, टू इंटू एल प्लस थ्री कितना है 189 माइनस थ्री इंटू कितना है 160। लैम्डा इनफाइनाइट एल टू एसओ फोर का होल थ्राइस कितना हो जाएगा, ये 9 × 2 = 18 और 37 प्लस या प्लस आइए बेटा 480 राइट। देन दोनों को अपन ऐड कर लेंगे, एल टू एसओ फोर का होल थ्राइस इक्वल टू कितना हो गया 8, 5 और 8 इसमें जाएगा सीमोन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स 8, 5, 8। क्लियर? दिस इज योर आंसर। क्लियर बेटा? ये आपका आंसर हो गया राइट। तो इस तरह से आपको ट्रांसपोर्ट नंबर भी ध्यान रखते हुए न्यूमेरिकल सोल्व करना है। इसके साथ आपको मैंने दो न्यूमेरिकल SW में और गिवन है, उनको आप सोल्व कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।